नमस्कार, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज हम बनाते हैं रेड वेलवेट केक की स्पंज की रेसिपी, और ये रेसिपी काफ़ी अच्छी आपको लगेगी, होप सो। तो चलिए, यहाँ पे मैंने लिया है मैदा, ये 130 ग्राम है, और 130 इस मैदे को इसमें सारे सामान मिला के हमें अच्छे से सीव करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने लिया मैदा, अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ बेकिंग सोडा, और फिर मैंने डाला है बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून है, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून है। अब मैं डालूंगी यहाँ पे शुगर पाउडर, शुगर पाउडर शुगर 1 टेबल स्पून है। फिर अभी इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कोका पाउडर। और रेड वेलवेट केक की यही खासियत है कि इसमें हम कोका पाउडर, और मतलब ये ना ही चॉकलेट स्पंज होता है ना ये वनीला स्पंज होता है, तो ये वाइट एंड ब्लैक स्पंज के बीच का समझ लीजिए। और साथ में नमक भी ऐड किया है। नमक ऐड करने से काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है स्वीट डेजर्ट में, मैंने ऐसा आगे भी बताया था अपने वीडियोस में। अब इसे अच्छे से, हमें जितने भी लम्स इसमें हम दिख रहे हैं, इसे अच्छे से हम छान लेंगे, क्योंकि ये जितने महीन महीन हैं, हम इसे बहुत ज़्यादा नहीं निकालना, फिर भी हम इसे अगर इस तरह से हटा देते हैं इस स्पैटुला से, तो ये बहुत अच्छे से हो जाता है। आप 2 टाइम्स भी सीव कर सकते हो। अब यहाँ पे हमें 100 ग्राम्स आपको चाहिए यहाँ पे बटर, पर मैं 50 ग्राम बटर लूँगी और 50 ग्राम ऑयल। ऑयल लेने का रीज़न ये है, रिफाइंड ऑयल कोई भी आप ले सकते हैं जिसमें बहुत हार्ड स्मेल नहीं हो। ऐड किया है साथ साथ में मैंने कंडेंस मिल्क, कंडेंस मिल्क यहाँ पे है 200 ग्राम्स। जब हम 130 लिया है मैदा, तो 200 ग्राम्स अगर हाफ करेंगे तो हम ले लेंगे वहाँ पे आपका कंडेंस मिल्क, वो हो जाएगा 100 ग्राम्स। तो 200 ग्राम्स ये ML मीन्स ले लिया। उसके बाद इसे अच्छे से हमें सबको आपस में बहुत अच्छे से होमोजेनस करना है, मीनिंग इन सबको बहुत अच्छे से मिक्स करना है, इतने अच्छे से कि वो आपका बहुत ज़्यादा बटरी हो जाए। अब हम यहाँ पे साइड में जो मैंने रखा था ड्राई मिक्सचर, उसको 2 बैचेज या 3 बैचेज, जैसा आप बेसी भी क्वांटिटी बढ़ाना हो तो सेम मेजरमेंट में आप इसको डबल ट्रिपल करते जाए, जैसे आपको चाहिए। हाफ भी कर सकते हैं, उसका भी हाफ कर सकते हैं। तो इससे हम लोग का कम से कम 2 kg का केक हमारा 130 ग्राम मैदा के, उससे 2 के अप्रॉक्स केक का स्पंज आ जाएगा। तो आप उस हिसाब से आप ले सकते हो कि आपको कैसे बनाना है। साथ में हमने दूध ऐड किया है। दूध में मेजर में नहीं आपको बता रही, दूध आप अपने पोरिंग कंसिस्टेंसी देख उस हिसाब से ऐड करें। और इसे 1 पे बीटर को मैंने 1 पे रखा है, 1 के स्विच में, कि हमें इसे खाली मिक्स करना है। आप स्पैटुला से भी मिक्स कर सकते हो, कट एंड फोल्ड मेथड से, पर ये इजी रहता है, बहुत छोटे क्वांटिटी में वो इजी है, पर बड़े में ये सही रहता है। अब यहाँ पे मैं 2 तरह के एसेंस डालूंगी, रेड वेलवेट तो है ही, साथ में मैं वनीला भी ऐड करूंगी, वनीला एक्सट्रैक्ट जो मैं बारबन का डालती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1.5 यूज़ किया है एसेंस का। एसेंस का कोई क्वांटिटी मैं जल्दी से नहीं डालती, मैं 1.5 आपको बता दिया टीस्पून, पर आप मैं अपनी थोड़ी समझ से डालती हूँ, तो 1.5 इसमें डालना है। पर अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है तो आप ज़रूर उसे समझ के डालें, पर यह 1.5 आराम से चला जाएगा। रेड वेलवेट भी मैंने ऑसरो का यूज़ किया है। अब ये मैं थोड़ा सा वनीला ऐड करूँगी, इससे ना बहुत अच्छा एक अच्छा फ्लेवर आता है अगर हम दोनों मिक्स करके देते हैं। तो ये मैंने आपका लिया है 1/2 टीस्पून, तो 1.5 वो लेंगे रेड वेलवेट एंड 1/2 लेंगे वनीला टेस्ट, वनीला एक्सट्रैक्ट पार्वन का, ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अब हम इसे फिर से मिलाएंगे, और साथ साथ में अब मुझे इसमें लग रहा है कि कुछ थोड़ा कम लग रहा था, तो मैंने इसमें ऐड कर दिया, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया कि 1.5 आप डालिए। अब इसे अच्छे से मिलाने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे कलर। अगर आप इसे और भी अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप इसमें बीट रूट का कलर भी डाल सकते हैं, पर क्या है, हम लोग मार्केट के लिए भी बनाते हैं, प्लस इतना नहीं होता तो हम डायरेक्ट इसमें कलर डालते हैं। पर अभी हम ऐड कर रहे हैं इसमें 3 टेबल स्पून वेनेगर, वाइट वेनेगर, जिसे हमें सिरका भी बोलते हैं। तो ये वाइट वेनेगर हम ऐड करेंगे। तो कुछ एक हम लोग को इसमें जरूर डालना पड़ता है बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर के साथ, कोई भी राइजिंग एजेंट जिसकी वजह से ये अच्छे से राइज हो।
राइसिंग एजेंट में हम लोग कर्ड यूज़ कर सकते हैं, कोको कोला यूज़ कर सकते हैं, प्लस आपका सोडा वाटर यूज़ कर सकते हैं। इतनी सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, पर एक साथ में आपको एक चीज़ चाहिए। पर मैं इतनी सारी चीज़ें तो यूज़ नहीं करती, और यहाँ पे मैंने सिरका यूज़ किया है। कोको कोला भी यूज़ करते हैं, पर मैं इतना ज़्यादा ये सब चीज़ें नहीं करती। मैं दही यूज़ करती हूँ या फिर वेनेगर यूज़ करती हूँ बस, और मैं ज़्यादा कुछ नहीं। अभी मैंने कलर डाला, ये मैं रेड कलर डाल रही हूँ, सुपर रेड है मैजिक का। कोई भी अच्छा रेड कलर आप डाल सकते हैं, बहुत ऑथेंटिक बनाना है एकदम आपको। तो आप इसमें चुकंदर को घस लीजिए, बीट को घस लीजिए, उसका रस निकाल लीजिए, उस रस से इसको आप कलर करिए। पर आपको फिर दूध की क्वांटिटी कम करनी होगी। पर मैंने सच बताऊं अभी तक वैसे बनाया नहीं है, पर असली में रेड वेलवेट वैसे ही बनता है। ये सब शॉर्टकट तरीका है, पर इससे भी बहुत अच्छा बनता है, ऐसा नॉट डाउट। हाँ, कलर के लिए रेड वेलवेट में लोग बीट का रस डालते हैं, जब बाहर कंट्रीज में वो बनते हैं, और इसलिए से चीज केक का फ्रॉस्टिंग यूज होता है, जिसकी वजह से ये थोड़ा एक्सपेंसिव भी होता है। तो देख रहे हैं आप कितना अच्छा ये बन के रेडी हुआ है। अभी मैं इसको चेक कर रही हूँ, ये पोरिंग होना चाहिए। दूध भी आप उस हिसाब से डालिए कि ये पोरिंग हो जाए। अब ये ऑलमोस्ट रेडी है। मुझे अभी भी थोड़ा सा कलर डल लग रहा था, क्योंकि जब हम बेक करते हैं तो बहुत डार्क कलर डालते हैं, या थोड़ा कम डार्क डालते हैं ना, तो बेकिंग के बाद कलर डिसकलर हो जाता है। तो ये सब चीज़ें थोड़ी ध्यान रखनी होती है। ध्यान कैसे, मुझे लग रहा था कलर थोड़ा कम है, और बनाते बनाते आइडिया आ जाता है। तो मैंने 5-7 ड्रॉप आपका इसमें आपको डालना है। पहले पर थोड़ा डालिए, चेक करिए, फिर आप डालिए। बहुत डालेंगे तो बिटरनेस आ जाएगा, तो उस हिसाब से देखना है कि अगर आपका बहुत न्यू कलर है तो 3 या 4 ड्रॉप डालेंगे तो आपका कलर आ गया, तो इट्स ओके कि वो रेड है तो थोड़ा फेड हो जाएगा बेकिंग होने के बाद, कि बेक हुआ। और अगर बिल्कुल भी रेड कलर नहीं आया तो बहुत ज़्यादा वो ब्राउन ही लगेगा, है ना। तो हमें इसे रेडी कर लेना है। तो ये रेडी है, अब हम रेडी करेंगे केक 3, जिसके लिए मैंने यहाँ पे लगा लिया है ऑयल। बटर भी लगाते हैं बहुत लोग, पर ऑयल ज़्यादा अच्छा है। और ये स्प्रेड करके हम लोग मैदा से डस्टिंग कर देंगे। तो यहाँ पे अच्छे से ब्रश से आप कर दीजिए। मैं 2 टीन में इसको बना रही हूँ, ये 6 इंच का टीन है, और मुझे 6 इंच का ही केक बनाना है। मैंने इसकी वीडियो पहले अपलोड कर दी थी, बना के मुझे काफ़ी दिन से टाइम नहीं मिल पाया दिवाली की वजह से, तो मैं इसको बहुत लेट अपलोड कर रही हूँ। चलिए कोई नहीं, आप इसको दोनों को डस्टिंग कर लो अच्छे से। तो ये 6 इंच का मोल्ड है, ये जाकी कंपनी से मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था, बहुत अच्छा मोल्ड है। और अब इसमें हम इसको, आप वेट भी कर सकते हो, पर मैं डायरेक्ट, मुझे आइडियाज है तो मैं उस हिसाब से दोनों में इक्वल करके अच्छे से दोनों में डाल दूंगी हाफ हाफ। तो ये हम लोग का रेड वेलवेट का, देखिए ये इस तरह से आपको पोरिंग चेक करना है कि हाँ ये पोर हो रहा है ना। बहुत ज़्यादा हार्ड रहेगा तो भी आपका केक बहुत हार्ड हो जाएगा, अगर बहुत ज़्यादा लिक्विड ही रहेगा तो आपका केक बहुत टाइम लेगा कुक होने में, जिसकी वजह से वो बाद में बहुत ज़्यादा कड़वा हो सकता है। क्योंकि हम यहाँ कलर का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, ऐसे भी कोई भी दूसरे केक भी काफ़ी टाइम उसका टेस्ट वगैरह एसेंस वगैरह चला जाता है। तो हर चीज़ छोटी छोटी केक में बस बारीकियाँ बहुत है। इजी लगता है पर इतना इजी नहीं है, और जितना टफ सोचते नहीं है। बस थोड़ा ऑब्जर्वेशन की बात है कि आप किस तरह से उसको समझ के बनाते हैं। अब थोड़ा टैप करेंगे, बिकॉज इसमें जो एयर बबल होंगे थोड़े बहुत निकल जाएंगे, नहीं तो बीच से केक काफ़ी ऐसे उठ जाता है, बहुत वेस्टेज होती है, जिसकी वजह से हम चेक कर लेंगे। और हमेशा लेवल मैं दिखा रही हूँ कि हाफ से नीचे दीजिए या हाफ दीजिए, कि उससे राइज होने का जगह मिले। हाफ तक आपको फील करना है, कोई भी मोल्ड हो, कितने भी हाइट का हो। अब ये OTG का मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, मैंने OTG ऐसे सेट किया है। अब मैंने सेट करके उसको रेडी करके 40 मिनट सेट करती हूँ, और फिर चेक कर लेती हूँ 30 मिनट, 20 मिनट ओपन नहीं करती, 30 मिनट की मैं चेक करके देख लेती हूँ। तो ये मेरा पूरा रेडी हो चुका था, और सेपरेट वीडियो है, आप सर्च करिए OTG पे, आपको पूरा मिल जाएगा। और इसमें टूथपिक इंसर्ट करके चेक करना है ये हो गया कि नहीं। मैंने इसे कूल डाउन किया है और चेक कर रही हूँ, ये बिल्कुल हो चुका है रेडी। तो
देखिए यहाँ पे बिल्कुल भी इसमें मैदा या कुछ भी बैटर लग के नहीं आया, तो हम इसे निकाल के अब हम इसे साइड से मैं इसको रिलीज करूंगी। कोई भी चाकू लीजिए जो बहुत ज्यादा शार्प भी ना हो और कोई ज्यादा केक को डैमेज ना करे, तो इस चाकू लेके साइड से इसको मैं रिलीज करूंगी। ऐसे करने से केक टूटता नहीं, बिकॉज केक इतना सॉफ्ट होता है, गर्म में टूट जाने के बाद शेप नहीं आता अच्छे से। अब पलट के धीरे से वायर रैप पे हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि इसको हम कैसे क्लिंग रैप करते हैं। वो शॉर्ट वीडियो आएगी मेरी एक, और उसमें आप देख के वैसे उसको 3 या 4 दिन तक आराम से रख सकते हैं। अब ये इस तरह से पूरा रेडी हो गया है। मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना सॉफ्ट और कितना अच्छा कलर आया है इसका, देख लीजिए आप। तो ये रेसिपी बहुत अच्छी है, बहुत टेस्टी भी बनती है। तो इससे मेरा 2 kg तक केक बन जाएगा आराम से। दो अगर मुझे 1 kg बनाना है तो मैं एक एक स्पंज यूज कर लूंगी, मुझे 2 kg बनाना है तो मैं पूरा कर लूंगी, दोनों स्पंज मिला के लगा लूंगी, 5 या 6 लेयर्स आएंगे। तो बस ये इतना सा ही इसमें काम है। हाँ मुझे तो इतना सा ही लगता है, अगर कोई पहली बार बनाए तो उसके तो बहुत टफ है। तो ये रेडी है, तो चलिए बाय बाय, नमस्कार, मिलते